दोस्तों कीबोर्ड 91 का नया अपडेट आ गया है और दोस्तों ऐसे ही अपडेट आते रहेंगे और ऐसे नए नए फीचर कीबोर्ड 91 में जुड़ते रहेंगे। और दोस्तों आपका जो प्रॉब्लम है कीबोर्ड 91 में वो उसका भी सुधार होता रहेगा। तो दोस्तों ये अपडेट आना बंद नहीं होगा, समय समय पे ये होता रहेगा। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी बहुत लोगों को कीबोर्ड 91 में टाइपिंग करने में दिक्कत होती है या बहुत तरह की प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि गूगल इतनी बड़ी कंपनी है फिर भी अपना जो कीबोर्ड उसका जो है उसमें भी अभी तक वो काम कर रहा है। तो दोस्तों थोड़ा सा तो पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, मॉल 91 भी अपना जो कीबोर्ड है उसको दुरुस्त कर देगा। तो दोस्तों अपडेट के माध्यम से मॉल 91 अपना कीबोर्ड का सुधार भी करता रहेगा और नए नए फीचर को ऐड भी करता रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको कीबोर्ड 91 में कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है तो प्लीज उसका एक स्क्रीन वीडियो आप लोग जरूर बनाइएगा। स्क्रीन वीडियो बना करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दीजिएगा और साथ ही साथ दोस्तों अपने मोबाइल का मॉडल नंबर भी जरूर लिखिएगा और किस कंपनी का आप मोबाइल यूज करते हैं वो भी जरूर लिखिएगा और अपना मोबाइल का जो रजिस्टर्ड नंबर जो आपका कीबोर्ड 91 में उसको भी आप लोग दीजिएगा जब आप व्हाट्सअप कीजिएगा मुझे। तो मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है आपको यहाँ पे मैं शो कर रहा होगा 7004118931। तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है दोस्तों, कोई भी कीबोर्ड 91 प्रॉब्लम है मुझे प्लीज आप लोग जरूर मैसेज करें उस वीडियो के साथ। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज का जो अपडेट आया है कीबोर्ड 91 का, इसमें क्या खास है, इसमें क्या नया फीचर ऐड हुआ है और क्या कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ है। चलिए इस वीडियो में जानते हैं पूरी जानकारी इसके बारे में। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, कंप्लीट देखिएगा और इसी उम्मीद के साथ कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा मैं इस वीडियो को शुरू करने जा रहा हूं। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त आपका होस्ट मुकेश कुमार स्वागत करता हूं आपको डॉट वन यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि मैं कीबोर्ड 91 से रिलेटेड वीडियो बनाता हूं और यहां पे इसके बारे में पूरी जानकारी देता हूं। तो चलिए दोस्तों आते हैं आज के टॉपिक। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कीबोर्ड 91 अपडेट हो गया है, हालांकि बहुत लोगों को नहीं मालूम होगा तो इस वीडियो से मालूम चल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना, कीबोर्ड 91 अपडेट हो गया है। तो इस अपडेट में क्या आया है उस बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप कीबोर्ड 91 को अपडेट कैसे करेंगे। दोस्तों देखिए मेरे मोबाइल का स्क्रीन यहाँ पर नजर आ रहा है आपको, यहाँ पे मैं आपको बताने का यही प्रयास कर रहा हूँ दोस्तों कि कीबोर्ड 91 को अपडेट कैसे करेंगे। एक तो सीधा अपडेट हो गया दोस्तों कि आप अपने कीबोर्ड में जाएंगे, जो आपका कीबोर्ड 91 ऐप है उसमें जाएंगे, वहां सीधा जाएंगे तो वहां पे अपडेट का ऑप्शन आएगा, आप वहां से अपडेट कर लेंगे। और एक तरीका और है दोस्तों, अपने व्हाट्सएप में जाइए, अपने व्हाट्सएप में जाके जो टाइपिंग करने का जो जगह होता है क्लिक कीजिएगा तो जो टाइपिंग जो आता है तो वहां पे दोस्तों डायरेक्ट अपडेट करने का वहां पे भी आपका ऑप्शन मिल जाएगा, वहां भी डायरेक्ट चला जाएगा ये कीबोर्ड 91 ऐप में, वहां से भी अपडेट हो जाएगा। तो दोस्तों ये तरीका मैंने आपको बताया कि आप ऐसे अपडेट कर सकते हैं। अब दोस्तों इस अपडेट में क्या नया है ये मैं चलिए बता सकता हूँ और अपने मोबाइल में ले जाकर आपको दिखाऊंगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी स्क्रैच कार्ड आ गया है कीबोर्ड 91 में, आप डायरेक्ट कीबोर्ड 91 में जाकर के वहां से स्क्रैच कर सकते हैं, जैसे कि मॉल 91 में आप स्क्रैच करते थे, ठीक है। तो अपने मोबाइल में आपको ले चलता हूं और वहां मैं बताता हूं क्या नया खास आया है। तो चलिए दोस्तों मेरे मोबाइल में, तो दोस्तों मैं अपने मोबाइल में आ गया हूं, मेरे मोबाइल का इंटरफेस आपको यहां पर नजर आ रहा होगा। तो सिंपली दोस्तों हमको करना क्या है, मैंने तो आपको दिखा दिया है कि अपडेट कैसे होता है और यहाँ पे मैंने अपडेट कर लिया है। तो अपडेट के बाद दोस्तों अब यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको कि क्या यहाँ पे चेंज हुआ है। चलिए तो सबसे पहले हम कीबोर्ड 91 ऐप में ही चलते हैं। तो दोस्तों देखिए ये जो कीबोर्ड 91 ऐप जो है आपके सामने यहाँ पर नजर आ रहा होगा, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। दोस्तों मैंने क्लिक कर दिया, ये ओपन हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए विज्ञापन दिखा है, हमेशा आप लोग ऑन रखिएगा ताकि विज्ञापन हमेशा आते रहे, ठीक है, क्योंकि कमाई आपको यहीं से होने वाला है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ मुझे आज मिला है 6.77 रुपया, तो डेली इनकम मेरा बढ़ ही रहा है दोस्तों। कल 5 था, आप देखे होंगे आप लोगों ने, आज 6 रुपया इतना हो गया है दोस्तों, ये बढ़ेगा ही। दोस्तों मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कि अगर अपडेट हुआ है तो यहाँ पे तो कुछ चेंजिंग नज़र नहीं आ रहा है, मतलब यहाँ पे तो पहले जो था वही नज़र आ रहा है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। नेटवर्क में जाकर देखते हैं क्या यहाँ पर कोई चेंजिंग आया है क्या। दोस्तों देखिए यहाँ पर भी कोई चेंजिंग नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि जो था पहले से सारा चीज़ वही है, ठीक है, सेम चीज़ है, देख सकते हैं आप। तो दोस्तों यही है कि यहाँ पे कुछ नज़र नहीं आ रहा है, तो चेंजिंग नज़र कहाँ पे आएगा। बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम हो रहा है, वो अपडेट तो कर लिया है मगर उनको समझ भी नहीं आ रहा है कि यार अपडेट हुआ है तो आया क्या नया। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि वो नया कैसे देखना है, ठीक है। तो सिंपली आप यहाँ से बैक हो जाते हैं, बैक होने के बाद दोस्तों सीधा व्हाट्सअप में जाना है, ठीक है। देखिए व्हाट्सअप है ना, इसको व्हाट्सअप में जाना है। अब दोस्तों व्हाट्सअप में जाने के बाद किन्हीं आपका जो भी कॉन्टैक्ट लिस्ट में जो भी लोग हैं तो किन्हीं एक पे आप क्लिक कर दीजिएगा। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं टाइप मैसेज लिखा हुआ है, यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा तो ये आपका कीबोर्ड खुल जाएगा। यहाँ पे दोस्तों देखिए कुछ नया आ गया है, अब देखिए क्या नया आया है मैं आपको बताना चाहता हूँ। दोस्तों ये तो आपने देखा होगा, ये जो सारा चीज़ है, एड्स है, वॉलेट है, शेयर का है, ये 3 डॉट लाइन है, स्पीकर है, ये तो आपको मालूम है। लेकिन दोस्तों ये जो नया चीज़ आया है, ये गिफ्ट जैसा कुछ दिख रहा है, ये देख रहे हैं ये वाला, ये दोस्तों नया आया है और ये डेली आपको मिलेगा। ये क्या है दोस्तों, ये आपका स्क्रैच कार्ड है, मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। मैं इस पर क्लिक करूँगा,
तो देखिए दोस्तों ये स्क्रैच कार्ड आ गया है। अब स्क्रैच कार्ड जो मॉल लैंटियन में आपको मिलता था, जो मॉल लैंटियन के पुराने यूजर हैं, तो दोस्तों अब वहाँ से नहीं बल्कि स्क्रैच कार्ड यहाँ से भी आपको करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली हम इसको स्क्रैच करते हैं। तो दोस्तों देखिए जैसे ही मैंने स्क्रैच किया दोस्तों यहाँ पर हमको 4 पैसा मिल गया है। दोस्तों ऐसे ही स्क्रैच कार्ड आपको डेली करना है, ये आपको डेली आएगा। तो यहाँ पर ये एक नया फीचर आया है, देखिए है ना, तो यहाँ से आपको पता चलेगा। और दूसरा फीचर देखिए दोस्तों मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर आप देखिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ऐड है, ये ऐड नया चेंज हुआ है। देखिए आप 20 सेकंड गिनिए यहाँ से दोस्तों, 20 से 25 सेकंड गिनिए, ऐड चेंज हो जाएगा। चलिए मैं गिनता हूँ, मेरे साथ आप लोग भी काउंट कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। दोस्तों देखिए जैसे ही 25 आया ये ऐड चेंज हो गया। आप मैंने लाइव आपको दिखाया है, तो कहने का मतलब है कि 25 गिनने में हमको कितना सेकंड लगा होगा। चलिए मान लेते हैं कि 25 सेकंड, उससे भी कम लगा हो दोस्तों, क्योंकि मैं बहुत जल्दी जल्दी गिन रहा था। तो 20 सेकंड में ये ऐड अब चेंज हो रहा है, पहले ऐसा नहीं होता था। आप प्लीज कॉमेंट करके हमको बताइएगा पहले क्या ऐसा होता था, प्लीज कॉमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों ये ऐड चेंज हो गया, ये फीचर आया है कि अब जो है ऑटोमेटिक आपका 20 से 25 सेकंड में ऐड चेंज होते रहेगा। और जाहिर सी बात है दोस्तों, जितना ऐड चेंज होगा आपका उतना ऐड काउंट होगा, उतना ऐड काउंट होगा तो उतना आपको इनकम होगा। अब दूसरा ये फीचर मैंने आपको दिखा दिया, यानी 2 फीचर मैंने दिखा दिया, एक तो स्क्रैच कार्ड वाला और दूसरा ये ऐड चेंज होने वाला, ऑटोमेटिक जो ऐड चेंज हो रहा है। और तीसरा भी फीचर आया है, चलिए वो भी दिखाता हूँ, व्हाट्सअप में लेके चलता हूँ, ठीक है। चलिए किसी को क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पर मैं कीबोर्ड खोल लिया। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, ये देखिए ये जो ऐड आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे भी एक ऐड आ रहा है। देखिए ये कीबोर्ड 91 जब ओपन कीजिएगा तो कीबोर्ड पे ऐड चलेगा। देखिए थोड़ा सा स्पेस कीबोर्ड अपना बढ़ा दिया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये देखिए सॉरी दोस्तों थोड़ा खांसी हो गया। यहाँ पे देखिए ये ऐड चल रहा है दोस्तों, ये कीबोर्ड यानी कीबोर्ड पे भी ऐड चलेगा और आपका डिस्प्ले पे भी ऐड चलेगा, ठीक है। तो ये नया आया है, समझ गए दोस्तों जी, बिल्कुल ये है अपडेट, मैंने आपको दिखा दिया सारा अपडेट, बता दिया आपको कि यहाँ पे चेंजिंग हुआ है। दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए कीबोर्ड भी बहुत अच्छा लग रहा है पहले जैसा, ऐसा लग रहा है कि पहले हम जो यूज करते थे वैसा ही कीबोर्ड लग रहा है। तो दोस्तों हर चीज़ जो है दुरुस्त हो जाएगा, चिंता नहीं कीजिए, ठीक है, चिंता नहीं कीजिए दोस्तों, सब ठीक हो जाएगा। तो ये अपडेट मैंने आपको बता दिया जो अभी आज आया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक दीजिएगा दोस्तों, और जो भाई हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ से इस तरह का वीडियो मिलता रहेगा। तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि लोगों को पता चल सके कीबोर्ड 91 नया अपडेट आ गया है और इसमें नया स्क्रैच कार्ड आ गया, जहाँ से स्क्रैच कीजिएगा तो कुछ न कुछ इनकम होगा। और दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ऐड जो है दोस्तों बहुत जल्द चेंज हो जा रहा है, बहुत जल्द बदल रहा है। तो जाहिर सी बात दोस्तों जितना ऐड चेंज होगा, जितना ऐड बदलेगा तो आपका इनकम ज़्यादा होगा। और जैसा कीबोर्ड 91 जैसे ही ओपन करते वहाँ भी एक ऐड आता है, तो जितना ज़्यादा ऐड आएगा उतना ज़्यादा आपका इनकम होगा। तो दोस्तों अब से आपका इनकम जो है दोस्तों बढ़ने वाला है, जो पहले इनकम होता था उससे ज़्यादा इनकम अब होने वाला है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट आया दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय कीबोर्ड 91।